200 अगर आप भी ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 204वें टेस्ट मैच से पहले ऋषभ पंत पर भड़क गए हैं सचिन तेंदुलकर, और उनकी गलतियां गिनवाते हुए तेंदुलकर ने क्या कहा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में तीसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत की गलती थी या नहीं, और उन्हें जिम्मेदारी से कितने रन बनाने चाहिए थे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब एक बेहद ही कठिन पड़ाव पर पहुंच चुकी है, और सीरीज का 4था टेस्ट मैच एक कांटे की टक्कर के मुकाबले से कम नहीं है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच जहां बारिश की भेंट चढ़ गया था, तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने अपने ही शानदार अंदाज में जीता। दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड की टीम को पूरे 151 रनों से हराया था, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही तीसरा टेस्ट मैच आया, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज सभी फेल हो गए। पहली इनिंग्स में जहां भारतीय क्रिकेट टीम 78 पर ऑल आउट हो गई, पंत, रोहित, जडेजा, राहुल सब फ्लॉप रहे, तो वहीं दूसरी इनिंग्स में भी भारतीय क्रिकेट टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। भारतीय बल्लेबाजों ने प्रयास जरूर दिखाया, रोहित शर्मा के बल्ले से 59 रन निकले, और जहां पुजारा ने भी 51 रन बनाए और कोहली ने भी अर्धशतक जड़ा। लेकिन इसके बावजूद खेल के 4थे दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम 63 रन के अंडर अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी, जिसके बाद हमारी टीम को करारी शिकस्त मिली और इस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट टीम 76 रनों के बड़े अंतर से हार गई। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एक पूरे इनिंग के अंतर से भारतीय क्रिकेट टीम को हराया गया है, और ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है, खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए जो कि बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाए इतनी मुश्किल सिचुएशन में, जिनमें से एक है दोस्तों ऋषभ पंत। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं सीरीज में। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 3 मैचों में अब तक पंत के बल्ले से कुल 70 रन तक नहीं निकल पाए। ऐसे में दोस्तों सचिन तेंदुलकर का गुस्सा अब ऋषभ पंत पर फूट चुका है, और उन्होंने ऋषभ पंत को लताड़ लगाते हुए उनको वो रास्ते बताए जिन पर चलकर वो शायद सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच में लगातार ऋषभ पंत के खराब प्रदर्शन पर और भारतीय टीम के हारने पर तेंदुलकर ने कहा, जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज के तीसरे मैच में प्रदर्शन करती आई वो वाकई में शर्मनाक था। भारतीय खिलाड़ियों को समझना होगा कि अगर पहली इनिंग्स में खराब प्रदर्शन रहा तो दूसरी इनिंग्स में उतना ही दोगुना अच्छा प्रदर्शन करना था। एक समय पर भारतीय बल्लेबाजी ने कहीं न कहीं मैदान में अपनी छाप छोड़नी भी शुरू कर दी थी। रोहित और पुजारा और कोहली का शानदार प्रयास रहा, लेकिन इसके बाद जब मिडिल ऑर्डर के असली बैट्समैन यानी कि रहाणे और ऋषभ पंत को प्रदर्शन करने का मौका मिला तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जो कि टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम बना चुके हैं वो ऐसे मौके पर इतना बेकार प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। ऋषभ पंत के पास न सिर्फ मौका था बल्कि उन्हें अपने देश के लिए ये करना ही चाहिए था। उनके बल्ले से टीम को 90 से 100 रनों की दरकार थी, और जाहिर सी बात है कि मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी अगर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या गेंदबाज आकर मैदान में बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन जिस अंदाज में ऋषभ पंत खेल रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो बड़ी पारी खेलने के मूड से मैदान पर आते हैं। ऋषभ पंत को समझना होगा कि ये T20 और वनडे क्रिकेट नहीं, उन्हें बल्ला कब घुमाना है और किस गेंद पर घुमाना है उन्हें पहले ये सीखना होगा। ऐसा नहीं कि वो बल्लेबाजी नहीं करना जानते, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने गाबा में हमें जिताया और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खुद की सरजमी पर 91 रन चढ़े हैं, बस उन्हें सही कॉन्फिडेंस और टाइमिंग की जरूरत है, फिर तो वो इंग्लैंड की टीम के परखच्ची उड़ा ही देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4थे टेस्ट मैच में पंत ये सब गलतियां नहीं दोहराते नजर आएंगे और भारतीय टीम जरूर जीतेगी। दोस्तों तेंदुलकर की माने जाए तो पंत कहीं ना कहीं अपनी गलती की वजह से ही आउट हो रहे हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वाकई में ऋषभ पंत की जगह किसी और को खिलाना चाहिए 4थे टेस्ट मैच में या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।